आज विदिशा के जिला न्यायालय परिसर में सामूहिक रक्तदान का आयोजन किया गया, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश अचल कुमार पालीवाल ने शिविर का शुभारंभ किया। इसके पहले विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और जिला न्यायाधीश उपेंद्र प्रताप सिंह विभिन्न संगठनों से भी शिविर में शामिल होकर रक्तदान की अपील की थी। अचल कुमार पालीवाल ने कहा कि कोरोना काल में अस्पतालों में रक्त की कमी हो गई थी, उसकी पूर्ति करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से सभी जिला न्यायालय परिसर में रक्तदान के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि रक्तदान समय सीमा अंतराल पर करते रहना चाहिए, जिससे व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है और दूसरों की जान बचाने में भी मदद कर सकता है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आज रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। सभी जिलों में जिला मुख्यालय तहसील मुख्यालय पर किया जा रहा है और इसमें मध्य प्रदेश शासन की तरफ से राज्य जो ब्लड डोनेशन काउंसिल है उनके निर्देश भी हैं, तो जिला चिकित्सालय की तरफ से भी पूरी वैन वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसलिए आज जिला न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। तो उस समय सभी से अपील करना चाहूँगा कि रक्तदान जो निश्चित समय है 6 महीने या जो है उसमें ज़रूर करें, उससे शरीर को कोई किसी तरह के कोई नुकसान नहीं है, कोई भय नहीं होना चाहिए। आपके शरीर को बहुत से फायदे हैं, आपकी बहुत सी बीमारी पता चल जाती हैं, तो इसलिए हम समय समय पर रक्तदान करते रहें और जिस समय कम से कम आप संतुष्टि मिलती है, इसलिए हमेशा रक्तदान करते रहें, खुद भी स्वस्थ रहें और जो आपका अज्ञात है या जो अपरिचित है उसे भी आप उसके जीवन दान करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।